दोस्तों आज का टॉपिक है ब्रेक फेल क्यों होता है। दोस्तों ब्रेक फेल होने के क्या वजह है इस बारे में हम बात करेंगे। क्या तरीका है जिसे हम इस्तेमाल करके ब्रेक फेल के परेशानी से काफ़ी हद तक हम बच पाएँ। और दोस्तों आजकल फोर व्हीलर चलाना बहुत ज़रूरी हो गया है, लगभग हर पर्सन फोर व्हीलर चलाता है। तो ब्रेक फेल क्यों होता है दोस्तों आज हम जानेंगे। दोस्तों ब्रेक फेल होने का दो कारण है। पहला है ब्रेक ऑयल कहीं से लीकेज होकर लॉस हो जाना, और दूसरा कारण है मास्टर सिलेंडर ख़राब हो जाना। दोस्तों ब्रेक ऑयल अगर कहीं से लीकेज होकर लॉस हो जाएगा तो सबसे पहले क्लस्टर या मीटर बोर्ड ये लाइट जलेगा। दोस्तों ये लाइट जलते ही आपको गाड़ी खड़ा कर देना है और देखना है व्हील के अंदर शर्ट से कहीं पे ब्रेक ऑयल लीकेज है तो नहीं। अगर लीकेज होगा तो उसका लीकेज पहले मारना पड़ेगा और फिर ब्रेक ऑयल टॉप अप करना पड़ेगा। तो इसका जो है मास्टर सिलेंडर ख़राब है क्योंकि ब्रेक पैडल बैठ जा रहा है, इसीलिए दोस्तों इसका मास्टर सिलेंडर खोलेंगे। और मास्टर सिलेंडर ख़राब है या ना है उससे जानने के लिए उसका ब्रेक ऑयल से पता चल जाए, ब्रेक ऑयल का कलर फेड होने की वजह से पता चल जाएगा जो कि मास्टर सिलेंडर ख़राब है। जैसा कि आपने देखा दोस्तों चारों व्हील के अंदर साइड पर कहीं पर भी लीकेज नहीं है, तो इसका ब्रेक ऑयल मैंने देखा जो कि ब्लैक ब्लैक हो चुका है, तो आप इसका मास्टर सिलेंडर खोलना पड़ेगा। हाँ दोस्तों ये दूसरा वजह है मास्टर सिलेंडर का। वो क्या होता है, मास्टर सिलेंडर बहुत यूज होने से उसमें रबर पार्ट्स है जो कि घिस जाता है, घिस जाने की वजह से मास्टर सिलेंडर सही तरह से काम नहीं करता और ब्रेक बैठ जाता है। तो ब्रेक अगर बैठ जाएगा तो हमको मास्टर सिलेंडर खोलना पड़ेगा। और दोस्तों अगर मास्टर सिलेंडर डिफेक्ट होगा तो आप अगर ब्रेक को हल्के से प्रेस करेंगे तो ब्रेक पेडल पूरा अंदर तक धंस जाएगा, और अगर अचानक से प्रेस करेंगे तो ब्रेक पेडल सही होगा, जैसा को वैसा रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं स्टीयरिंग के नीचे का कवर खुल चुका, अब मास्टर सिलेंडर खोलेंगे। दोस्तों पहले पाइप खोलना पड़ेगा, पाइप खोलने के बाद वो पुराने वाला ब्रेक ऑयल रख देंगे, और ब्रेक ऑयल रखने के बाद इसका जो ब्रेक पाइप है हाइड्रोलिक पाइप उसे खोल देंगे, और बॉडी का दो 12 mm का दो नट है उसे खोल देंगे, और उसे खोल देने के बाद मास्टर सिलेंडर निकाल देंगे और देखेंगे उसके अंदर क्या हुआ है। दोस्तों इस तरह से मास्टर सिलेंडर को डिसअसेंबल कर देंगे। डिसअसेंबल करने के बाद देखेंगे क्या हुआ। दोस्तों ऐसे में तो मास्टर सिलेंडर चेंज कर देते हैं वर्कशॉप में, लेकिन हम मास्टर सिलेंडर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये पहला बार खुल रहा है। अगर पहला बार खुलेगा तो पहले किट डालेंगे और फिर दूसरी बार मास्टर सिलेंडर चेंज करेंगे, ये भी 2-3 साल चल जाएगा। ये देखो दोस्तों ये कितना घिस चुका है, घिस घिस के पूरा स्लिम हो गया है, पूरा पतला हो गया है, जिस वजह से ब्रेक बैठ जा रहा था, ब्रेक लग नहीं रहा था ठीक से। ये देखो दोस्तों कितना ये घिस चुका है, पूरा घिस जाने की वजह से ही ब्रेक का इशू आ रहा था। तो दोस्तों और एक प्लंजर अंदर रुका हुआ है, ये जो पिन है इसे निकालना होगा, इसे निकालने से तब जाके और एक प्लंजर का लॉक उसके अंदर है। ये जो देखो पहला प्लंजर बाहर निकाल दिया और ये दूसरा वाला प्लंजर है, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसके सेकंड वाला प्लंजर पे एक लॉक है, इस लॉक को हमें बाहर निकालना होगा। इस तरह से इसे पकड़ के स्क्रू ड्राइवर में प्रेस करके वो लॉक को निकाल देंगे। ये देखो ये लॉक है, ये लॉक फास्ट वाले प्लंजर को लॉक करके रखा रहता है। और दोस्तों इसे इस तरह निकाल देंगे, निकालने के बाद इसे पानी में अच्छी तरह धो देंगे क्योंकि पानी में धोना सबसे बेहतर होता है, पानी सबसे बेस्ट मास्टर सिलेंडर धोने के लिए है। ब्रेक ऑयल से रिलेटेड हर सामान पानी में धोना सबसे बेस्ट होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं सारा का सारा सामान धुल चुका है, अब इसका मास्टर सिलेंडर किट लगाएंगे। ये ओरिजिनल ली पार्ट्स 600 रुपये शायद के आसपास इसका MRP है, मास्टर सिलेंडर मेजर किट है, और इसे हम फिटिंग करेंगे। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं इस पे सारा का सारा सामान नए वाला है और इसे हम फिटिंग करेंगे। ध्यान देने वाली और एक बात है दोस्तों, ये जो मास्टर सिलेंडर के पिस्टन में और
पिस्टन में ये टीवीएस रबर ग्रीस देना चाहिए, क्योंकि ये रबर ग्रीस लुब्रिकेशन का काम करता है। और दोस्तों इस पे प्लेन ग्रीस ना दें, क्योंकि प्लेन ग्रीस देने से रबर फूल जाएगा और मास्टर सिलेंडर फेल हो जाएगा। ये खास करके रबर के लिए ही बना है टीवीएस ग्रीस, ये किट के साथ आता है दोस्तों। तो जैसे कि हमने डिसअसेंबली किया था, उस तरह से असेंबली कर देंगे और गाड़ी में फिटिंग कर देंगे, फिटिंग करके टेस्ट ले लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगली बार चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि बताया था, फर्स्ट वाले पिस्टन पे एक लॉक होता है, हम पिस्टन को प्रेस करके वो लॉक इंस्टॉल कर देंगे। পেটও খারাপ হয়েছে আমি মাকাল খাওয়া বাকি আছে মুকলে বানানে ভজু কয় না তাহলে কিছু খাই যাই কেয়ারা গলা ভাই। दोस्तों एक बात मैंने भूल गया, ये जो है नया वाला ब्रेक ऑयल है, .3 है, और ये जो अभी इस पे डाल रहा हूँ ये पूरा गाड़ी से निकला हुआ ब्रेक ऑयल है। ये देखो कैसे ब्लैक ब्लैक हो गया है। तो ब्रेक ऑयल के कंडीशन से मास्टर सिलेंडर का पोजीशन पता चल जाएगा। दोस्तों ब्रेक ऑयल हमेशा ऐसे ट्रांसपेरेंट ही रहना चाहिए, अगर ये ऐसा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है मास्टर सिलेंडर ख़राब हो चुका होगा या तो होने का खतरा होगा। तो उसके पहले आप एक किट चेंज कर दें।